मैं इसी विधानसभा से हूँ और मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिला उपाध्यक्ष है। इसी विधानसभा से सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी भी है और वहीं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है, दोनों आमने सामने। देखिए मैं बता दूं, जो स्वाभिमान पार्टी है, जो ये अपने आप को स्वाभिमान के नाम से प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 महीना हुआ। अच्छा। मात्र 10 महीना हुआ और बच्चा पैदा होता है 9 महीने में। अच्छा। तो 1 महीना का बच्चा है और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको चुनाव में उतार दिए, ये बताइए वो रोड पे कैसा बच्चा दौड़ेगा, कैसा मूर्ख है वो, लड़ाई में कर दिया, कहाँ से जीतेगा, कहाँ लड़ाई है और किस पहलवान से बच्चा लड़ेगा 1 महीने का, ये बताइए। वो तो कह रहे कि ओम प्रकाश राजभर को राजभर का वोट एक भी नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि पूरी इस मऊ जिले में किसी गांव में स्वाभिमान पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं है। नहीं है? नहीं है, एक कार्यकर्ता भी नहीं है। अरे अरविंद राजभर जो है अभी इसी 354 से चुनाव में, वे कार्यकर्ता थे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के, वे कार्यकर्ता सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के थे, लेकिन अब तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के हैं, निकल गए, उनको मानता हूँ। लेकिन इन लोगों ने अपनी पार्टी के किसी गांव में एक कार्यकर्ता खड़ा नहीं कर पाए अपने दम पे। अच्छा। ये ओम प्रकाश राजभर के ही कार्यकर्ता है जो स्वाभिमान में है, सिर्फ वही लोग हैं जो डुग्गी पीट रहे हैं। इनके डुग्गी पीटने के कुछ होने वाला नहीं है, ये हवा हवाई में डुग्गी पीट बड़ा दावा कर रहा है कि चुनाव जो है जितने नहीं देंगे, चुनाव जो है यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जो पार्टी का समर्थन किए हैं उस पार्टी को हराएंगे, दावा के साथ। अरे भैया उनका एक वोट भी नहीं है और गाँव के औरतें पुरुष नौजवान इनको खोज रहे हैं जूता चप्पल लेकर, जब वोट जिस दिन मांगने चले जाएंगे गांव में, जूता चप्पल से तार स्वागत करेंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए बैनर एक बार पिछला बार लगा दिए थे कि ओम प्रकाश राजभर को इस घोसी राजभर समाज गांव में आना मना है, और यही राजभर समाज कैसे कर रहे हैं कि मनोज राजभर और महेंद्र राजभर को जूता चप्पल। अरे भैया पिलाकर, किसी पियकड़ी को पिलाकर कुछ भी पोस्टर आप लगवा सकते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। अच्छा। किसी पियकड़ी को 2 शीशी पिला देंगे, कह देंगे भैया पोस्टर चिपका दो, चिपका देगा, उसको शीशी और पैसे से मतलब होता है, लेकिन जो स्वाभिमान व्यक्ति होगा वो ऐसा कतई नहीं करेगा। यानी कि महेंद्र राजभर को आप हल्का में मानते हैं? मैं हल्का में नहीं मानता। आप तो कह रहे कि 9 महीने का बच्चा पैदा होता है, 10 महीने पार्टी हुआ, 1 महीने का वो पार्टी है, ये पार्टी है। सभी लोग जानते हैं कि 10 महीने हुआ, 9 महीने बच्चा पैदा होता है, 1 महीना सिर्फ बच्चा का पैदा हुआ, क्या चुनाव में क्या उतार दिए इनको, क्या समझ स्वाभिमान पार्टी एक बच्चा पार्टी। हाँ मैं बता दूं, एक कार्यकर्ता भी नहीं है गाँव में, एक कार्यकर्ता भी नहीं इनका है, और कैसे चुनाव लड़ेंगे, गाँव की जनता इनको इंतजार के जाके गांव में वोट मांग ले। अरे पर्चा भी भर लिए, कह रहे कि कैसे भरने से क्या होता है, पर्चा तो कोई भर देगा, पर्चा तो कोई भर देगा, ये तो आम बात है, संविधान का नियम है, बाबा साहब ने दे दिया है, कोई पर्चा भर सकता है। उन्हीं के पार्टी से एक दावा कर रहा था कि हम लोग पर्चा भरे हैं और राजभर का पूरा वोट हम लोग लेंगे, ओम प्रकाश राजभर नहीं। अरे जब अखाड़ा में आएंगे तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, 5 तारीख को पता चल जाएगा कितना स्वाभिमान अपना बचा लेते हैं। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सैकड़ों सैकड़े कार्यकर्ता गांव में घूम रहे हैं, एक भी कार्यकर्ता स्वाभिमान पार्टी का नहीं पाएंगे भैया, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ। अच्छा आप क्या बताना चाहेंगे, आज पीले पीले ये चर्चा में है कि पीआर का चर्चा आज पूरा जो है अपना दल बदल रहा है, तो इसको लेकर क्या आप लोग करेंगे? नहीं देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और दल बदलू वाली कोई बात नहीं है, ये गठबंधन का एक हिस्सा है जो हमेशा पूरा प्रदेश में नहीं पूरा देश भर में ये गठबंधन की हर जगह सरकार बन रही है, जैसे मान लीजिए बिहार में, चाहे यूपी में, चाहे केंद्र में, हमारी भाजपा ही सरकार क्यों ना हो, वो भी चाहे बड़ा पार्टी हो चाहे छोटा पार्टी हो, अब बिना गठबंधन के प्रदेश में नहीं पूरा देश में कोई सरकार नहीं बना सकता है, बिल्कुल। लेकिन इनका जो एक जगह नहीं, इसलिए सब लोग इन्हीं के पार्टी के लोग निकल निकल का विरोध कर रहे हैं। देखिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी अभी सपा से गठबंधन किए थे और तोड़ दिए, तो देखिए सपा बसपा से की थी, उसके पहले कांग्रेस से की थी, और उसके बाद हम लोग सुभाषपा से हुआ है, कहने का मतलब जब 18 सीट दिए थे लोग, उसमें से अपना एक कैंडिडेट उतार दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ठीक है। अच्छा क्या लग रहा है कि जो यहाँ पार्टियाँ कई जो है निर्दल भी पार्टियाँ यहाँ लड़ रही है, उन बीच में जो है आप लोग जो है राजभर के बीच में दो यहाँ पार्टियाँ खड़ी हो गई है, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्वाभिमान पार्टी से अरविंद राजभर जी आए हैं, देख लीजिएगा कि 2-3 दिन में उस सुबह सपा का प्रचार करेंगे, वो सपा के पैसे पे सपा ने डेमिट कैंडिडेट राजभर को दे दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख रहे हैं कि हम मजबूती के साथ दारा सिंह जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तमाम समाज के लोग वोट दे रहे हैं, इसीलिए डेमिट कैंडिडेट अरविंद राजभर को उतार के और कहीं ना कहीं वोट काटने वाला काम
मन कर रहे हैं लोग, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात एक और है कि अभी तो सोलह समय पार्टी जो है अपने दम पे पहला जो प्रत्याशी खड़ा की थी, अभी फिलहाल में देखने के भी मिल रहा है, लेकिन अभी सोलह भारतीय समाज पार्टी अपना जो है दम पे कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। नहीं नहीं, देखिए हम लोग का गठबंधन हुआ है भाजपा सरकार से, तो भाई गठबंधन का धर्म तो निभाना पड़ेगा। और जो स्वाभिमान पार्टी जो खड़ा किए, मैं कहता हूँ दावे के साथ कि चार दिन रुक जाइए, खुद सपा का प्रचार करेंगे लोग बिल्कुल। और भाई गठबंधन का हिस्सा हम लोग हैं, हम लोग के खाते में जब सीट नहीं आए तो हम लोग क्यों अपना कार्यकर्ता उतारें? तो हम लोग की इस बात से आप लोग गठबंधन में आ गए हैं, बीस गठबंधन में आ गए हैं बिल्कुल। यही बात है कि अगर अपने जो है सीट से अपने जो है पार्टी के लेवल पे यहाँ अगर देखा जाए तो उतना जो है आंकड़ा नहीं आता है, अगर गठबंधन करने पे पूरा आंकड़ा जो है। देखिए देखिए सर, एक राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, जब हम लोग के खाते में जब सीट नहीं आए तो उस विषय पे मैं ज़्यादा बस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है और हम लोग के खाते में सीट न आने के कारण हम लोग भाजपा से गठबंधन होने के कारण। क्या लग रहा है कि घोसी की पूरी जनता आज आप लोग के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, घोसी की 90% जनता हम लोग के साथ है, चाहे किसी कास्ट का ले लीजिए, यादव चमार राजभर चौहान मुसलमान समाज जो भी समाज है, तमाम लोग भाजपा के साथ और जो गठबंधन के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। चलिए साथियों, आपको बता दूं कि ये तो जो इन लोगों की बातें हैं, जनता से कुछ राय लेने के बाद कुछ और खुलासा होगा। फिलहाल पार्टी से कुछ कला जो है कार्यकर्ताओं से ये बातें रही और कुछ बातों के साथ हम मुकादित होंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना, नमस्कार।